हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द अनबॉक्स यानिक। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ का पहला स्मार्टफोन अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि है रेडमी नोट 10 प्रो। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मेरा नाम है वंश और आप देख रहे हैं द अनबॉक्स यानिक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है हमारा रेडमी का नोट 10 प्रो जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है खास। तो चलिए मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलती है रेडमी की ब्रांडिंग। तो ये इसमें हमें देखने को मिला है सिम इजेक्टर टूल एंड एक केस। केस की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी है इसकी, काफ़ी सॉफ्ट है। एंड इसके बाद में जो हमें देखने को मिला है वो है हमारा फ़ोन। तो ये है हमारा फ़ोन, इसको हम बाद में देखते हैं। एंड इसके बाद हमें नीचे देखने को मिलता है इसमें चार्जर, जो कि है 33 वॉट का फास्ट चार्जर, को भी मैं साइड रखता हूँ। एंड ये है डाटा केबल टाइप सी, एक तरफ यूएसबी है एंड दूसरी तरफ टाइप सी है, तो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। तो इसके बाद बात करते हैं इसकी फ़ोन की। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है इसमें, हमें इन हैंड भी काफ़ी अच्छा फील आता है इसको पकड़ने में। तो चलिए बॉक्स को साइड में रखते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके फीचर्स वगैरह हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इसकी। एंड इस पे जो टेम्पर्ड ग्लास है वो ऑलरेडी चढ़ के आता है, गोरिल्ला ग्लास 5। इसका जो कैमरा है काफ़ी ऊंचा है, अगर हम इसको बैक साइड से रखते हैं तो काफ़ी ये ज़्यादा हिलने वाला है एंड स्क्रैचेस भी इस पर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ये देखिए। तो ये चीज़ आपको केस लगा के ही यूज़ करनी होगी, वरना आपका कैमरा यहाँ पे डैमेज हो सकता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, केस से जो इसके साथ आता है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मैं इस पे से यूज़ करके देखता हूँ। चलिए फोन को ऑन कर लेते हैं एंड देखते हैं इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली हैं। तो ये है हमारा फोन एंड इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरे की। तो कैमरे में इसमें हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो हमें 8 मेगापिक्सल का एंड 5+5 का मैक्रो एंड डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। जो इसमें मैक्रो कैमरा है वो टेली मैक्रो कैमरा है, यानी कि इससे आप जूम करके भी काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। इसके सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे इसकी फ़ोटोज़ आते हैं। एंड इसका जो फ्रंट कैमरा है वो हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिससे काफ़ी अच्छी सेल्फीज़ भी आती हैं। तो मैं इसके सैंपल्स वीडियो में डाल देता हूँ, आप देख लीजिए। एंड इसकी डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी इसमें हमें देखने को मिल जाती हैं। एंड बाकी के जो इसमें कैमरा फीचर्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। सबसे पहला मोड जो है वो इसमें हमें ब्लॉग मोड देखने को मिलता है, जिसमें हम डिफरेंट ब्लॉग्स शूट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें हमें ब्लॉग्स में एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपको इस मोड पे जाना है। एंड देखिए जो वीडियोज़ आपको देखने को मिल रही है, इस टाइप से आप बिना एडिटिंग के वीडियो शूट कर पाएंगे। तो मैं इसके कैमरा फीचर्स के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा कैसे क्या इसकी फ़ीचर्स हैं। एंड इसमें बाकी के फ़ीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे में इसमें डुअल वीडियो है जिससे हम फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड जो अनदर फीचर है वो इसमें हमें देखने को मिलता है क्लोन मोड। क्लोन मोड से हम एक ही पर्सन की तीन डिफरेंट पोजेज़ में फ़ोटोज़ ले सकते हैं एंड वीडियोज़ ले सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है, आपको एडिटिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं इसके मैक्रो की। तो मैक्रो भी इसमें हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, टेली मैक्रो कैमरा है। देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। आप
तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें फीचर्स हैं। नाइट मोड भी इसका काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। एंड इसमें हमें जो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस हैं वो हमें 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, एंड 1080 पिक्सल जो वो 30 एंड 60 FPS पर रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, एंड 732 पिक्सल 30 FPS पर रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इसमें हमें क्वालकम स्नैपड्रैगन का 732G देखने को मिलेगा, एंड इसमें हमें MIUI 12.0 देखने को मिलता था, लेकिन अब इसका अपडेट भी आ गया है, तो आप इसे अपडेट करके MIUI 12.5 भी कर सकते हैं। एंड इसमें हमें एंड्रॉयड का 11 देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो यहाँ से आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आपको 60Hz पे यूज़ करना है या 120Hz पे। 120Hz पे बैटरी ड्रेन फास्ट होती है, एंड 60Hz आपका नॉर्मल है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें हमें एक और फीचर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। तो इससे आपकी जो डिस्प्ले है वो लॉक करने के बाद भी ऑन रहेगी, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वॉच लगा रखी है, टाइमिंग एंड ये फ्लावर है, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो ये अप्लाई हो गया है। तो देखिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले जो है ऑन दिखेगी इस टाइप से, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड यहाँ पे एक और फीचर हमें देखने को मिला है, जो कि नोटिफिकेशन के लिए है। जब आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप यहां से इसके लिए नोटिफिकेशन इफेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे हमें ये फीचर्स देखने को मिले हैं, इस टाइप से जब आपके कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो साइड से जो लाइट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, एंड इस टाइप से भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इसके बैटरी की, तो बैटरी इसमें हमें 5020mAh की देखने को मिलती है, एंड 33W का फास्ट चार्जर इसमें हमें मिलेगा। दोस्तों गेमिंग में भी इसमें हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, विदाउट लैग आप अच्छे से गेमिंग वगैरह कर पाएंगे। एंड जो इसमें हम लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा ये लैग कर जाता है, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। एंड क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अलग एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे लैग देखने को मिलता है। दोस्तों फिंगरप्रिंट जो है इसमें हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट है, एंड फेस अनलॉक भी इसका काफ़ी अच्छा है। एंड सिक्योरिटी के लिए मेक श्योर आप फिंगरप्रिंट यूज़ करें, फेस लॉक कभी कभी एरर भी कर जाता है। एंड इसमें जो सिम ट्रे है वो हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ, एंड इसमें हमें आई एफ ब्लास्टर देखने को मिलता है, एंड डुअल स्पीकर देखने को मिलते हैं, एक स्पीकर ऊपर की तरफ एंड एक नीचे की तरफ। माइक की बात करें तो इसमें हमें माइक देखने को मिलता है नीचे की तरफ सी पोर्ट के साइड में, एंड नॉइज़ कैंसिलेशन हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, साथ ही हमें 3.5mm जैक भी देखने को मिलता है। इसमें जो हमें सिम ट्रे मिलती है वो एक डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें हम दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड साथ में यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ आपको स्टोरेज के लिए भी कोई इशू नहीं होने वाला है। एंड जो इसकी एक्सपेंडेबिलिटी है वो 256GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी अनबॉक्सिंग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, तभी आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाएगी। थैंक यू सो मच।